छत्तीसगढ़ के कुंभ नगरी राजिम में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइडर नवीन। तो अभी मैं आपको लेकर आया हूँ राजिम नगर, और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने वाले हैं राजीव लोचन भगवान के। तो छत्तीसगढ़ में राजिम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हर साल यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। तो अब हम लोग चलने वाले हैं राजीव लोचन मंदिर, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कुलेश्वर महादेव के मंदिर में। तो राजीव लोचन मंदिर के जस्ट बगल में आपको घाट दिख जाता है, और यहाँ पे तीन नदियों का संगम है। और यहाँ पे मामा भांजा का मंदिर भी है, जो बहुत ही कम जगहों में आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर परिसर है, और पूरा मंदिर जो है वो वाइट कलर में दिखता है आपको। और ये है राजीव लोचन जी का मंदिर। देख सकते हैं सामने में राजीव लोचन जी विराजमान, और मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ राजीव लोचन मंदिर के जस्ट सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, और इसके बाद अंदर में महादेव विराजमान हैं।
श्री पंचेश्वर नाथ जी का मंदिर। तो इस ब्रिज से होकर जाना होता है कुलेश्वर महादेव। और आज से कुछ साल पहले जब ये ब्रिज नहीं बना था तो लोग नीचे से ही आना जाना करते थे। तो वो सामने में आपको दिख रहा है, वहाँ पे हैं कुलेश्वर नाथ महादेव। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है ये ब्रिज, क्योंकि जब ब्रिज नहीं था तो नीचे से ही आना जाना करना पड़ता था। और जब पानी का लेवल ज़्यादा होता था तो आप कुलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर सकते थे। और ये कुंभ के लिए घाट बनाया गया है। तो हर साल राजिम में कुंभ मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर इस ब्रिज पे चलकर आप पहुंच जाते हो कुलेश्वर महादेव जी के मंदिर तक। और काफ़ी सुविधा हो गया है अब ब्रिज बनने के बाद से। तो अब श्रद्धालु जो है साल भर यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से लोकेशन में है कुलेश्वर महादेव जी का ये मंदिर। और आप देख सकते हो 1 से 1.5 किलोमीटर करीब लंबा ये सस्पेंशन ब्रिज। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।